सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्ती में होंगे। तो गाइस, आप भी अगर अपनी नॉर्मल वीडियो को कुछ इस प्रकार से HDR में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आज की इस वाले वीडियो को थोड़ा सा जस्ट इतना आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि गाइस मैं आपको बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आज काइन मास्टर के हेल्प से ही आपको इस तरह का वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूं। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आप भाई VN ऐप से आप हमको एडिट करना सिखा रहे हो, पर काइन मास्टर से भी हमको कुछ सिखाओ। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं आपको काइन मास्टर से ही आपको इस तरह का HDR वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूं। तो यार, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ मज़ेदार होने वाले, तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। बाकी चैनल पर अगर आप नहीं हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी दोस्तों चलिए, बिना किसी देरी के अपना जो मोबाइल का एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, उसको ओपन कर लीजिए। मैं जाकर आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा स्मार्टफोन के काइन मास्टर ऐप है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अभी आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन जिस भी एक्सपेक्ट रेशियो में आप अपना वीडियो को एडिट करना चाहते हो उस वाले एक्सपेक्ट रेशियो का आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके आज एक वीडियो को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। अभी आप यहाँ पे ऊपर में देखोगे तो आपको मेरा गैलरी दिख रहा होगा। तो यार, सबसे पहले आपको अपना वीडियो को सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाने के लिए निशा जी का एक वीडियो को सिलेक्ट किया हूं। आज दोस्तों मैं इसी वाले वीडियो को एडिट करके आपको दिखाऊंगा। तो यार, सबसे पहले आप अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों, जो आपको राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इस वाले लेयर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया का, आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन इमेज एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उस वाले बैकग्राउंड को दोस्तों आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा। अभी आपके जो बैकग्राउंड है इसका कलर आपको चेंज करना होगा, उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे जो ये सर्कल दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे इसको गाइस कोना में इस जगह पे आप लाइएगा। लाने के बाद इसको आपको यहाँ पे रेड और येलो के बीच में आपको इसको रखना है। कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर रेड और येलो के बीच में ये जो कलर है यहाँ पर रख लिया है। अभी आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। अभी आपको नीचे में जो ऑप्शन सब राइट साइड में ऑप्शन सब जो दिख रहा होगा, इसी ऑप्शन के लास्ट में गाइस आपको यहाँ ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस वाले ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ओवरले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। अभी आप बोलोगे भाई ये तो वीडियो कैसा हो गया, तो रुको यार, सबर करो। तो अभी आपको इसको कुछ इस प्रकार से घटा के 50% पर आप इसको लाइएगा। लाने के बाद दोस्तों अभी आपका जो वीडियो उस पर वो क्लिक करना है। देन आपको जो 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपको इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको डुप्लीकेट लेयर जो है इसका ऑडियो को आप यहाँ पर म्यूट कीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सेट करके फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, इसी ऑप्शन को स्लाइड करके अगर नीचे करोगे तो आपको यहाँ पर कलर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। देख पा रहे हो कलर फिल्टर, अभी आपको इस पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे बेसिक में सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देख पा रहे हो B11, आपको ये वाला जो कलर है आपको सिलेक्ट करना होगा B11 वाला। ध्यान से गाइस, आपको इसी वाले कलर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो किस प्रकार से अभी आपका वीडियो हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे राइट साइड के लास्ट में जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप इसमें भी ओवरले के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी आपको इसको घटा गया कुछ इस प्रकार से, आप इसको 70 या 75 के अंदर में आप इसको रखिएगा। मैं इसको 70 कर देता हूँ। करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अभी लेयर पर क्लिक करना होगा। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से आप यहाँ पे इमेज एसेट्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन दोबारा से आपको यहाँ पर बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह से आप फर्स्ट वाले बैकग्राउंड को फुल स्क्रीन में किए हैं, इसको भी आप कर लीजिएगा। करने के बाद इसका जो कलर है दोस्तों, आपको यहाँ ब्लू कलर सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको इसको कोना में लाइएगा, जिस प्रकार इसको पकड़ के आप यहाँ पर कोना में लाइएगा। लाने के बाद इसको आपको यहाँ पर ब्लू कलर पर ऊपर ले जाना होगा। जाने के बाद आप ओके आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अभी आपको इसमें भी लास्ट में जाना होगा। जाने के बाद आपको ब्लेंडिंग में क्लिक करके अभी आप इसमें भी ओवरले का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन इसको गाइस आपको घटा के आपको 60% आप इसको कर दीजिएगा। जिस प्रकार से करने के बाद दोस्तों आपको जो मेन वाला वीडियो उस पर वो क्लिक करना होगा। क्लिक करके दोस्तों आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा।
आपको दोस्तों इस पर एडजस्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन वीडियो को गाइस ब्राइटनेस जो है आप अपने वीडियो के हिसाब से इसको इंक्रीज कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से मैं इसको इतना रख देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट को गाइस मैं यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज करूँगा कुछ इतना। देन सैचुरेशन को मैं यहाँ पे जितना इंक्रीज करूँगा मेरे वीडियो में जो चमक है वो उतना ही बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इतना इसको कर दूंगा। अभी गाइस ये जो दोनों बैकग्राउंड है रेड और ब्लू कलर का, इसको आप वीडियो को ड्यूरेशन का लास्ट तक आप यहाँ पर कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों वीडियो में अभी कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। पहला जो वीडियो कितना फेड आपको दिख रहा था और अभी आपको कितना वीडियो में चमक दिख रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस प्रकार का HDR वीडियो एडिट कर सकते हो। अभी दोस्तों आप इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आप इस वाले शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन अपना पसंद के रेजोल्यूशन में दोस्तों वीडियो को आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो यार उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो ट्यूटोरियल है आपको समझ में आ चुका है। अगर वीडियो को देखते हुए इतना दूर तक आ गए हो वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ना तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर आप नए हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।